आप देख रहे हैं P21 न्यूज। आम आदमी पार्टी हल्का लुधियाना दक्षिण की विधायिका राजेंद्र पाल कौर छिन्ना ने जब से अपने हल्के की कमान संभाली है तभी से उन्होंने अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ विकास कार्य किए हैं। सड़क का मुद्दा हो या बिजली पानी या पेंशन और इसके अलावा मेडिकल सुविधाओं या अन्य किसी भी जन समस्या के लिए हमेशा तैयार रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर पंजाब में आई है उन सभी मुद्दों पर पूरा कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। हर क्षेत्र के विधायक युद्ध स्तर पर जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है जिससे स्थानीय जनता आम आदमी पार्टी और विधायकों के चेहरे पर खुशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और सभी को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। लुधियाना से लक्ष्मी बड़ोनी की खास रिपोर्ट। न्यूज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। अज हल्का दखनी दे विच 120 परिवारों नूं पेंशनां वंडियां गईआं जिहड़ियां 150 परिवारां नूं सोमवार पेंशनां वंडियां जाणगीआं क्योंकि इहदे विच बुढ़ापा पेंशन आश्रम पेंशन और विधवा पेंशनां दित्तियां गईआं। दूसरा इन्हां लोकां दा जिहड़ा कि सरकार ने वादा कीता सीगा 300 यूनिट बिजली दा इन्हां सारिआं दा बिजली दा बिल दित्ता आ और इह सारे तुसीं खुद गल कर सकदे हो सारे पंजाब सरकार दे कम्मां तों कुछ नहीं। दूसरा तीसरा जिहड़ा साडे एरिए दे विच मुहल्ला क्लीनिक चलदे आ इहनां नूं उहदे बारे अवेयर कराया गया कि किसे किसी भी दवाई की जरूरत हो सारे टेस्ट के सारे दवाइया फ्री दी जाएगी। साडा मुहल्ला क्लीनिक पहले नंबर से पंजाब के विच चलते हैं। जानकारी ये हुई है कि आपने जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है आपने अपने क्षेत्र में बड़े विकास कार्य करे हैं तो कितने क्या क्या विकास कार्य हैं थोड़े से उनके बारे में जनता को बताएं। सब तो पहला तो जड़ियां सड़कों का बहुत बुरा हाल सीगा सड़कां बनाई गई फिर इन्हां दे नाल वादा कीता सीगा हल्के दे नाल मोहल्ला क्लीनिक खोलिया गया फिर यूनिट 300 यूनिट बिजली का बिल सीगा वो पूरा किया गया। इस तो पिछे देखा होगा कि तुम पिछले समय के पानी की समस्या आई और लाइट की आई लाइट का 75 लाख रुपए का लोहारा फीडर 25 लाख रुपए का ईशा नगर फीडर वह काम कराया गया और शफाली स्कूल के अगे 60 KV का जोड़ा ग्रेडा बड़ी जल्दी लगन वाला ताकि आने वाले समय के समस्या ना आए। इस तो अगे जोड़े 4 वार्डा के जो ट्यूबवैल लग रहे हैं बड़ी जल्दी लग रहे हैं उन्होंने तो टेंडर पास लगे हुए हैं क्योंकि आने वाले समय के इस हल्के के लोगों को पानी की समस्या ना आए। तुम देखा होगा पिछले जून के जगह जगह के उपर सुपर सैक्शन मशीन ला के सारे सीवरेज साफ कराए गए तो अज ओदी वजह के नाल अज अपने हल्के दे विच एक भी डेंगू का केस नहीं आया। इसमें राशन कार्ड की समस्या मुख्य बताई जा रही है लोगों को राशन के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। नहीं राशन की जी पंजाब सरकार की स्कीम है कि जो ऑनलाइन राशन घर पहुंचेगा और वो बड़ी जल्दी असं शुरू कर लगा। आपने गुजरात सरकार गुजरात में भी जो है आपने कंपेनिंग करी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या उम्मीद है वहाँ पर सर जनता को आम आदमी पार्टी से। गुजरात के इलेक्शन लड़े हैं बिना संगठन तो लड़े हैं लेकिन फिर भी उत्थे 40 लाख लोगों ने सानू वोट किया हौली हौली स्टैप बाय स्टैप असं अगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सब तो छोटी पार्टी जी बड़ी जल्द वड्डी पार्टी बन जा रही है नैशनल पार्टी का नाम दर्जा मिलिया तो एक पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी बधाई दे पात्र। 2024 में लोकसभा चुनाव है उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी उसमें कितनी भागीदारी रहेगी उसकी। देखो ये जनता कमां नूं देख के जिहड़ा फतवा देगी क्योंकि जे असी काम किए होंगे तो इस हल जिहड़ा जनता सानू साडे हक दे विच फतवा दे देगी क्योंकि तुसीं देखिया होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जो सैकंड टाइम भी इलैक्शन लड़ी सी उन्होंने यही कहा सीगा कि जे असी काम किए तो सानू